हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 न्यू नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी दिसंबर 2021 टॉमेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर किया था, फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं सभी की तरफ से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए एक से एक नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं। इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस मत किया कीजिए, अदरवाइज आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कर दिए जाएंगे और आप उनमें अपीयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी जून 2022 टॉमेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे। आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 15 मई की लास्ट डेट दी गई है। आप अपने असाइनमेंट्स 15 मई से पहले किसी भी हालत में जमा करवा दीजिए। आपके रीजनल सेंटर की तरफ से अगर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी की गई हैं तो आप उन्हें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उन्हें ऑफलाइन जमा करवा दीजिए। आप में से काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रेड कार्ड में उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो पाए। अगर 3 से 4 महीने का वक्त हुआ है तो आप अपने रीजनल सेंटर को मेल करके पूछ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वक्त हो गया है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको फिर से असाइनमेंट जमा करवाने के लिए बोला जाता है तो आप अपने असाइनमेंट फिर से जमा करवा दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर कोलकाता रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। कोलकाता रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MAPC प्रोग्राम वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपकी प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी कर दी गई है, जिसमें कि MPCE 16, MPCE 26, MPCE 36, इन तीनों के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट दे दी गई है। सो आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपका नाम इसमें दिया हुआ है तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर पटना रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। पटना रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स BCA के हैं, आपके ऑनलाइन वाइवा वोस का शेड्यूल जारी कर दिया गया, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपके शेड्यूल में यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम भी दिए हुए हैं और डेट भी दी हुई है किस दिन आपको अपने वाइवा वोस के लिए अपीयर करना होगा। इस लिस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, सो आप इस लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपके पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इस लिस्ट को बनाया गया है। आपके प्रैक्टिकल्स 9 मई से स्टार्ट होकर 22 मई तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें BCA और कुछ MCA के स्टूडेंट्स के भी नाम दिए हुए हैं, सो आप प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है वो है फिर हैदराबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। हैदराबाद रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MAPC प्रोग्राम के हैं, आपके MAPC प्रैक्टिकल्स के लिए भी यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया। यहाँ पे दो अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं, MPCL 007 के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनकी भी लिस्ट दी हुई है, और जो स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है उनकी भी लिस्ट दी हुई है। सो आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए जाने से पहले अपना नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से MPCE 14, MPCE 24, MPCE 34, इनके लिए भी लिस्ट जारी की गई है। जिन भी स्टूडेंट्स का नाम नॉट एलिजिबल वाली लिस्ट में दिया हुआ है, आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अभी अपीयर नहीं कर सकते। जिस टाइम पे जून 2022 टॉमेट एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे उस टाइम पे आप अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अपीयर हो पाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में ये थे मेरी तरफ से 5 नए नोटिफिकेशंस। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।